बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दसवीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हमारा पाठ नंबर 4, जिसका नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक है श्री प्रकाश। आइए थोड़ा लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न के 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही 4 महानुभाव के द्वारा दिए गए उत्तरों का उत्कर्ष है। तो आइए इस पाठ को समझते हैं। लेखक का मंतव्य कि लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित है, यानी कि लेखक को चिंता हो रही है देश की अभी जो व्यवस्था है उसको लेकर। उन्होंने इस बात की चिंता है कि कई विशेष पुरुष है और यहाँ कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। यह प्रश्न उन्हें परेशान करता है। यही प्रश्न वे अपने अपने उन विदेशी मित्रों से भी सुअवसर मिलने पर पूछ बैठते हैं, यानी कि वो देशवासियों से तो पूछ ही रहे हैं, उनके कुछ विदेशी मित्र हैं उनको भी वह यह प्रश्न पूछते हैं कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। अपने विदेशी मित्रों से यह पूछना उनका हक, यानी कि उनको भी ऐसा लगता है कि विदेशी मित्रों को भी पूछना चाहिए कि हमारा भारत देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। लेखक के पहले मित्र का क्या मत है हम जानते हैं कि लेखक कहते हैं कि पहली बार अपने जिस विदेशी मित्र से उन्होंने यह सवाल पूछा, वे एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। वे यहाँ लंबे अरसे से देश के दरिद्र लोगों की सामाजिक सेवा कर रहे थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ के लोगों को अपने काम का गर्व नहीं है, यानी कि जो काम वह कर रहे हैं उनके लिए वह गर्व अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए देश की उन्नति नहीं हो रही है। उनके अनुसार यहाँ के लोगों की कथनी और करनी, यानी कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कथनी और करनी दोनों में अंतर है। वे उदाहरण के रूप में नौकरियों के लिए आवेदन पत्र करने और नौकरी मिलने पर गुट बनाकर मालिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात बता रहे हैं, यानी कि जब नौकरी मिली नहीं है उनके लिए हम आवेदन पत्र, यानी कि कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं यहाँ आपके अनुसार सब कुछ कार्य करूँगा, लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो वही व्यक्ति उस मालिक के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगता है। वे कहते हैं कि यहाँ के लोग आवेदन पत्र में अपनी निष्ठा और मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलने के बाद तुरंत ही मालिक के खिलाफ षड्यंत्र, यानी कि जिसने नौकरी दी है उसी के खिलाफ षड्यंत्र बनाने लगते हैं। अन्य देशों में लोग इस प्रकार व्यवहार नहीं करते। यह व्यवहार केवल हमारे भारत में ही हो रहा है, यह पहला मित्र कह रहा है। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और स्थान मिलने पर जान लड़ाकर काम करते हैं, ऐसा दूसरे देशों में होता है। लेखक कहते हैं कि अपने पादरी मित्र की बात से सहमत है कि हमें अपने काम का गर्व नहीं है। सही बात है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के लिए गर्व अनुभव नहीं करते हैं, यह बात गलत है। वे कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा में
अपने काम का गर्व करने का आदेश है, पर हम इसे भूल गए हैं। इसका कारण है हमारी लंबी दास्तां, काम का गर्व करने की परंपरा पर ही आधारित है हमारे यहाँ का जाति भेद। आज भी लोग विशेष तिथियों पर अपने औजारों और बहियों की पूजा करते हैं। कई त्यौहार ऐसे हैं जहाँ लोग उस दिन पर अपने औजारों की पूजा करते हैं, पर आज हम सर्वधर्म निधन श्रेय, यानी कि अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयकर है, ऐसा नहीं करते हैं। यह हम भूल जाते हैं कि यह भी हमारा कर्तव्य है। अभी दूसरे मित्र की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपना प्रश्न जब उनके सामने रखा तो जवाब जिन दूसरे विदेशी सज्जन से जानना चाहा, वे ICS यानी कि IAS के सदस्य एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें 30 वर्ष से अधिक यहाँ रहने का अनुभव है, लेकिन कहते हैं कि वे व्यक्ति यहाँ की नहीं है, लेकिन 30 साल से भी ज़्यादा वह यहाँ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि देश की उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का अपनी जिम्मेदारियाँ न समझना। सही बात है, हमारा जो काम है उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर हम वह जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाएंगे तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा। अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुण हम भूल जाते हैं कि कोई काम की शुरुआत तो हमने कर दी, लेकिन वो पूरी तरह निष्ठा के साथ पूर्ण करना है, यह हम भूल जाते हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्मेदारी न समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना घर कर गई है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े वादे कर वे व्यक्ति अपने वादे नहीं निभा रहा है, तो उनके लिए लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो जाता है। किसी को यह विश्वास नहीं रह गया है कि उसका काम समय पर होगा अथवा काम करने पर उसे समय पर मेहनताना मिलेगा। अगर कोई मजदूर है, हम उसे कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो अगर उसका काम पूर्ण हो गया तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे उसका मेहनताना यानी कि उसकी जो मजदूरी होती है हम उसे दे दें। लेकिन एक दो बार काम कराकर हम उसे मजदूरी नहीं देंगे तो वो दोबारा हमारा कोई काम नहीं करेगा। उसमें अविश्वास बैठ जाएगा कि मुझे मेरा मेहनताना मिलेगा भी या नहीं। हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, दूसरों के कष्ट की किसी को परवाह नहीं है। आज देश के बड़े बड़े नेता ज़्यादातर अपनी ही चिंता करते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ और मेरा घर सुरक्षित है, बाकी कोई कुछ भी करे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सब अपनी जिम्मेदारी न समझने का परिणाम है। जब वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ही देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तीसरे व्यक्ति के जवाब में लेखक जिस तीसरे व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछते हैं, वे 7-8 साल के भारतीय बनकर श्रद्धापूर्वक देश की सेवा कर रही महिला। अब ये एक महिला है जिनसे लेखक अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके अनुसार देश की उन्नति न करने का कारण है यहाँ के लोगों का आलसी होना। कहने का अर्थ है कि यहाँ के लोगों का श्रम का यानी कि भारत देश के लोगों के लिए श्रम का कोई महत्व नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर आलस में अपना समय गुजारते हैं, इसीलिए देश उन्नति नहीं कर पा रहा है। यहाँ के लोग मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए यहाँ के लोगों को किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है। चौथे व्यक्ति का मत है कि जब देने वाला यह व्यक्ति एक चौथा व्यक्ति जो है
विश्व प्रसिद्ध वृद्ध महिला थी जिन्होंने अपने 40 वर्ष विभिन्न सेवाओं में गुजारे थे। अब लेखक उनसे भी यही प्रश्न पूछते हैं। उनके अनुसार देश की उन्नति न होने का कारण लोगों में उदारता न होना, यानी कि भारत देश के लोग उदार नहीं हैं, इसीलिए हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। लोगों में उदारता की भावना न होने का कारण लोग खुद ही अपने आगे रहना, यानी कि लोग जब कंपटीशन यानी कि स्पर्धा करते हैं तो ये नहीं चाहते कि मेरे पीछे वाला भी कभी आगे आए, वो खुद ही आगे रहना चाहते हैं, यानी कि पीछे वाले के लिए कभी उदारता नहीं समझते। जैसे कि कोई कर्मचारी है और कोई ऊंचे ओहदे पर है और उसके नीचे जो कर्मचारी है उसके लिए वह सख्ती बरतेगा, कभी भी नरमी नहीं बरतेगा, तो उसके मन में जब तक उदारता नहीं आएगी वह नीचे वाला कर्मचारी ऊंचे ओहदे पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कहते हैं कि दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, इसीलिए अनेक योग्य वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनेक औषधियाँ लुप्त हो गई है। अगर कोई वैज्ञानिक है, मानो कि अभी वो कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो वो अपने किसी शिष्य को अपनी ये विद्या देकर जा सकता है, लेकिन वह वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर रहा है, इसीलिए कई ऐसे आविष्कार लुप्त हो गए हैं। अनेक गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरों को परिचित नहीं कराया और अपने गुणों के साथ लेकर स्वर्ग सिधर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने गुण किसी को दिए ही नहीं कि ये प्रथा आगे बढ़े, वह अपने गुण अपने ही पास रखकर स्वर्ग चले गए। कहने का अर्थ यही है कि गुणी व्यक्ति नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं दे रहा है। जैसे कि आज की नई युवा पीढ़ी है, अगर हमें उन्हें आगे बढ़ाना है तो उन्हें कुछ नॉलेज यानी कि उन्हें कुछ देना होगा। अगर आज के नए वैज्ञानिक कुछ युवकों को दे ही नहीं पा रहे हैं तो वह युवक आगे कैसे बढ़ेंगे। लेखक का स्पष्टीकरण में कहते हैं कि लेखक अपने इन चारों मित्रों के जवाब को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर अपने काम में गर्व नहीं करते, उस काम को करने में दूसरों के प्रति जिम्मेदारी अनुभव नहीं करते, हम अपने काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम से वो काम नहीं कर रहे हैं, हमारे में आलसीपन ज़्यादा है, हम अपने गुण उदारता के साथ दूसरों को नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि इस बात को सरल ढंग से बताते हुए हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारियों को भूल गए हैं, हम बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही हैं, आज आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। लेखक के एक प्रश्न में ये चार जवाब हमें मिले। आशा करती हूँ ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।